बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में अब तक 288 लोगों के मारे जाने की सूचना मिल चुकी है। कल पीएम मोदी ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए सख्त लहजे में कहा कि हादसे के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बालासोर में शवों के ढेर में अपने बेटे को खोजते हुए इस पिता का दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इनका बेटा ट्रेन हादसे के बाद से लापता है। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 288 हो गई है। कुल 1175 लोगों को भर्ती करवाया गया है। इनमें से 793 लोगों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि 382 लोगों का इलाज किया जा रहा है। 2 लोगों की हालत गंभीर है और बाकी की हालत स्थिर बताई गई है। दोनों एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में आरक्षित टिकट वाले 2200 से अधिक यात्री सवार थे। पीएम मोदी ने कल घटनास्थल का निरीक्षण करने और पीड़ितों से अस्पताल में मुलाकात करने के बाद कहा कि हादसे के लिए दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, परिजनों के दुख में उनके साथ है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बालासोर में राहत और बचाव का काम लगभग पूरा हो चुका है। मलबा हटाने का काम अपने आखिरी स्टेज में है। एनडीआरएफ समेत बाकी एजेंसियों के हजारों कर्मी पूरी मेहनत से काम में जुटे हैं। तो बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 65 एम्बुलेंस भेजी हैं। कल बंगाल की सीएम ममता बनर्जी घटनास्थल का निरीक्षण करने भी पहुंची थी। बालासोर जिला अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में दिख रही ये एम्बुलेंस पश्चिम बंगाल से भेजी गई हैं। हादसे की खबर मिलते ही ममता सरकार ने पश्चिमी मिदनापुर जिले से 15 एम्बुलेंस बालासोर में घटनास्थल पर भेजी। इसके अलावा बंगाल के दूसरे इलाकों से भी एम्बुलेंस भेजी गई हैं। ये एम्बुलेंस ड्राइवर शुक्रवार रात 12 बजे से घटनास्थल से घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। केवल बालासोर जिला अस्पताल ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के मेडिकल कॉलेज में भी घायलों को शिफ्ट किया जा रहा है। खबर मिला मेरे पास, मेरा सर जी का पास मिले स्वास्थ्य भवन से, मैं पहुँच गया उड़ीसा बालासोर, पहुँच के बालासोर का हॉस्पिटल में भर्ती कराए, उड़ीसा में कटक में भर्ती करे, मेदिनीपुर में पश्चिम मेदिनीपुर में भर्ती करे, लेके ही चला है, आज तक भी चलता रहे। यानी आप पिछले ये कहे तो गलत नहीं होगा 20-25 घंटे से काम कर रहे हैं। हाँ सर। क्या लोग जो घायल हुए थे उन्हीं को आप लेकर आ रहे थे कि कुछ? हाँ लोग जो घायल हुआ था उन्हीं को लेकर आया था। और बालासोर में पीड़ितों के लिए सरकार को राहत का काम कर रही है, लेकिन साथ ही आम लोग भी निस्वार्थ भाव से राहत के काम में जुटे हुए हैं। कोई मुफ्त मेडिकल उपकरण दे रहा है तो कोई अपने जेब से पैसे खर्च कर रहा है। मरीजों से खचाखच भरे पड़े बालासोर के जिला अस्पताल का स्टाफ 24 घंटों से भी ज्यादा वक्त से मरीजों की देखभाल में लगा हुआ है। यहाँ पर मरीजों का इलाज तो अस्पताल में मुफ्त हो ही रहा है, लेकिन अस्पताल में मौजूद लकी मेडिकल नाम की दुकान भी मरीजों को मुफ्त बैंडेज और मेडिकल का सामान सप्लाई कर रहा है। हमारे ओनर का इंस्ट्रक्शन से कि जो लोग आ रहे हैं घायल, जो भी चीज की जरूरत होती है आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में दीजिए। कल शाम से आज तक 24 घंटे से ज्यादा हो गया सर। जो रोजमर्रा की चीजें, एसिड की गोली, बैंडेज, टिटेनस, ORS, वाटर वगैरह, अपने लोग प्लेंटीली उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं। यही नहीं, मेडिकल दुकान चलाने वाले मनोज पौदार पैसों से भी लोगों की मदद कर रहे हैं। बिहार के एक यात्री का शव भेजने के लिए इन्होंने अपनी जेब से 10,000 रुपए दिए। पटना से एक पेशेंट आया था, उनका डेथ हो गया था गाड़ी में से। उनके दो भाई आ रखे थे, तो सर उनका जो पॉकेट में पैसा नहीं था, उनको रेलवे क्लियरेंस नहीं दिया था, तो रो रहे थे कैसे लेके जाएंगे। तो सर हम लोगों ने एम्बुलेंस वाला से बातचीत करके उनको 10,000 रुपया दिया कि आप वो पेशेंट को ले जाओ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।